स्टूडेंट्स, आज जो है अध्याय 12, इसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। ये शुरू करने जा रहे हैं। आप पिछली कक्षाओं में विभिन्न आकारों की आकृतियां जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। आप में इनमें से कुछ आकृतियां जैसे आयत, वर्ग और के परिमाप और क्षेत्रफल भी परिकलित कर चुके हैं। उदाहरण, आप अपनी कक्षा के कमरे के फर्श के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपकी कक्षा का कमरा आयताकार है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 है, तो उसका परिमाप होगा 10 और 8 और 2/2 तो 36 मीटर होगा। उसका क्षेत्रफल 10 × 8 अर्थात 80 मीटर स्क्वायर होगा। लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक यूनिट मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिखा जाता है। मान लीजिए एक त्रिभुजाकार भाग में बैठे हैं। आप इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उन्होंने गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया। उनका गणितीय और भौतिकी विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें विश्वकोण संबंधी लेखक समझा जाता था। मुख्यतः क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित था। पुस्तक एक में वर्ग, आयत, त्रिभुजों, समलंब, अनेक प्रकार की विशिष्ट चतुर्भुजों, समबाहुभुज, वृत्त के क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोलो इत्यादि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का वर्णन है। इस पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज की 3 भुजाओं के पदों में उनके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है। इसे ही हीरोन का सूत्र कहा जाता है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः एस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध क्षेत्रफल है। आइए अब इसके सवालों को हल करें। देखिए, पहला सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, ये जो बोर्ड दिखा है ये समबाहु शेप का।
होता है। समबाहु शेप में जो भुजाएं वो क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। ठीक, अब यानी ए दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तभी तो ये कहलाता है क्या, समबाहु। नेक्स्ट, अब ए का मान है ए, बी भुजा ए और सी भुजा भी ए, तीनों जो भुजाएं हैं, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो जब ए ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए, तो एस इज इक्वल टू सॉल्यूशन हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए बाय टू, दैट इज थ्री ए बाय टू। S is equal to 3a by 2। मीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S root of S, S minus A, S minus B and S minus C। अब इसमें S और A, B, C का मान रखेंगे, तो S का मान होगा यहाँ पे S is equal to 3a by 2, then S 3A by 2 minus A, फिर से 3A by 2 minus A and 3A by 2 minus A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3A by 2, 3A minus A by 2 यानी 2A by 2, तो आएगा A by 2, 3A by 2 into हो जाएगा A by 2 into a by 2 into a by 2, तो ये हो जाएगा root 3 a by 4, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का जो वर्ग है 2 का 2 हो जाएगा into 2 का वर्ग ये, और a का वर्ग और a का वर्ग, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए root में a का वर्ग into a का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a इंटू ए ये, और यहाँ पे रूट थ्री बाय, अब यहाँ टू टू बी सी प्रकार होगा तो टू इंटू टू, यहाँ आएगा फोर आपका बाहर, ठीक है, तो आ जाएगा a टू बाय फोर रूट थ्री, ठीक है, तो ये वाला ये है। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो तीन इंटू भुजा बराबर परिमाण ये फॉर्मूला है, या भुजा इज इक्वल टू परिमाप बाय थ्री, ठीक है, तो भुजा इज इक्वल टू परिमाप क्या है 180 बाय थ्री, तीन और 180 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना 60 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, तो रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, रूट थ्री बाय फोर ए भुजा मतलब ए होता है, ठीक, तो ए की वैल्यू है 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिएगा यहाँ से कि रूट थ्री बाय फोर ए के स्थान पे आया 60 का स्क्वायर, स्क्वायर का अर्थ होता है रूट थ्री बाय फोर इंटू 60 इंटू 60, अब रूट थ्री बाय फोर को चार को कैंसिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि चार सिंगल है तो दो से इसका होगा, दो से हो जाएगा ये 30 और फिर से दो से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार भागित होगा, ठीक है, तो 30 इंटू 30 ये जाएगा कितना 900, तो आंसर क्या आएगा रूट थ्री बाय फोर रूट थ्री इंटू 900, ठीक ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी अगला सवाल, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर, देखिए आकृति ये हो गया, ठीक, ये आकृति 122 मीटर फिर 22 मीटर और 120 मीटर है, देखिए इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया लिया। बच्चों आप देख रहे हैं फ्लाईओवर जो है वो इस तरीके से शो हो रहा है,
बोर्ड पर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ये होगी। तो इसको क्या कहते हैं, लंबाई को ए, चौड़ाई बी और ऊंचाई सी, ठीक है। लंबाई 122 मीटर फ्लाई ओवर की, बी है 22 मीटर, सी है 120 मीटर, ठीक है। आप इसको एस का फॉर्मूले में सेटअप करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक है। तो ये वाला जो है सिस्टम 122 प्लस 22 प्लस 120, दोनों तीनों संख्या को जोड़ेंगे और दो से क्या करेंगे, भागित करेंगे। तो अगर 164 जोड़ने पर आएगा डिवाइडेड बाय 2, दो से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 132 मीटर। अब नेक्स्ट, योन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला है आपका, योन फॉर्मूला से हो जाएगा एस एस माइनस एस माइनस बी एन एस माइनस सी। तो एस इज इक्वल टू जो है 132, 132 से पुट करेंगे, 132 माइनस ये ए की वैल्यू हो गई, बी और ये सी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 132 माइनस 122 करेंगे तो ये क्या आएगा 10, फिर 132 में से वैसे 110 और 132 माइनस 20 12, ठीक है। अब यहाँ इंटू करेंगे 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, ठीक है। यहाँ लिखा है आपके नेक्स्ट लाइन में, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 110 को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे 110 को, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिख दिया 11 इंटू 10। अब यहाँ 32 को भी लिख सकते हैं 12 इंटू 11, क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 132 आएगा, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे 12 इंटू 12 इसका पेयर बना के, ठीक है, फिर 10 और 10 का पेयर बना लिया और 11 11 का पेयर बना लिया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे ये वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब स्क्वायर और ये करनी जो है क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या संख्या आएगी शेष 12 इंटू 10 इंटू 11, ठीक है बच्चों, ये हो गया। आप तीनों संख्या को गुणा करेंगे, पहले 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 जो आएगा, फिर 120 का इंटू 11 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 11 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 3 महीने का विज्ञापन, क्वेश्चन में ये भी दिया है कि 3 महीने के लिए क्या कर किराया लेना, तो 3 महीने का आ जाएगा कि 1320 इंटू 5000 इंटू 3 बाय 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 4 आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व और करेंगे, यहाँ पे 4 को भागित करेंगे यहाँ की संख्या से, 4 या 12 आएगा 1 या तो 0 330 आ जाएगा, कि आप 330 इंटू 5000 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 5000 इंटू 330, या इसको और इजी हल करना है तो 330 लिखो इंटू 5000। एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जितने भी जीरो में वो लिख दे और बाकी सरल, जितने भी जीरो में इसको लिख दे पहले, कितने जीरो है गिनो, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए। अब क्या संख्या बची, 35 और कौन सी बची, और ये 5, ठीक, 5 का इंटू 35 में करेंगे ये आ जाएगा बैलेंस 1 और कितना आ जाएगा 1516, ये संख्या प्राप्त होगी 10 लाख, 16,50,000 ये संख्या जो रुपए हैं ये 3 महीने का किराया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है, इसके पार्श्व दीवारों यानी साइड वॉल्स में एक एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से भरे हुए भाग पेंट भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, आपको कोई एक पार्क दिख रहा है,
उसमें प्रिज्म पट्टी ऐसे करके बनी हुई यहाँ से, तो इसमें क्या है कि किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है। और इसकी जो विमाएं लिखा है, विमाएं का मतलब होता है भुजाएं, ठीक है। त्रिभुज है, त्रिभुज की ये क्या कहलाती है, भुजाएं, ठीक है। भुजा को डिनोट करते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर, बी इज इक्वल टू 11 मीटर और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर, ठीक। अब इसको ऐसी वैल्यू निकालेंगे हम, परिमाप निकालेंगे। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक है। तो एस वैल्यू रखेंगे 15, 11 और 6। अब तीनों संख्या आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। देखो 15, 11 और 0, 6, ठीक है। यह जाएगा 32, इसको प्लस करेंगे। अब 32 बाय 2, तो 32 बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 और ये डिवाइड करेंगे तो ये 16, ठीक है। तो उत्तर आएगा एस की वैल्यू 16 मीटर। अब हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला आपको मालूम हो जाए हो गया होगा, एस एस माइनस एस माइनस बी एन एस माइनस रूट ऑफ, ठीक है। तो एस की वैल्यू है 16 मीटर, तो 16 लिखेंगे, 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, 15, ये 15 लिखा है ए की, ठीक है, ये ए की हो गई, ये क्या हो गई, बी की हो गई, ठीक, और ये सी की वैल्यू हो गई। अब 16 माइनस 15 मतलब इसको घटाना है तुमको, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 और 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो 10, ठीक है। अब 16 को डिवाइड कर सकते हैं कितने है? देखो 4 × 4, ठीक। इसी प्रकार 5 और 10, 10 को डिवाइड कर सकते हैं या गुणनखंड निकालते हैं तो 2 × 5 होता है, ठीक। तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, 1, फिर 5 और 10 को लिखा है 2 × 5, ठीक है। इसके बाद का स्टेप देखिए, यहाँ से यह जाएगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 2, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इस तरह ये कैंसिल होके क्या हो जाता है, 4 बाहर और 5, 4 × 5 हो जाएगा और √2, क्योंकि 2 में स्क्वायर नहीं है, तो 4 × 5 क्या जाएगा, 20√2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उत्तर आ गया इसका, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाण 42 सेंटीमीटर है। हल देखिए, जब एक भुजा दी हो, दूसरी भुजा दी हो, तीसरी भुजा इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक है। इस प्रकार हल करेंगे, तो परिमाप भी दिया गया है 42, तो 42 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ये हो गया। अब बाय टू भी है, एस बाय टू होता है। अब ए बी सी का मान रखेंगे, तो ए का मान है 18, बी का मान है 10 और सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए 18 और 10 करेंगे तो क्या होगा, 28 हो गया, 28 ये लिखा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 28, सॉल्व करेंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब सॉल्यूशन निकालेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय, एस की वैल्यू कितनी है 42, तो 42 बाय 2 करेंगे तो क्या आ गया, हीरोन का सूत्र फिर से इसमें अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एस एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी, ठीक। एस की वैल्यू आ गई 21 माइनस ए 18, बी 10 और सी 14, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 21 इंटू इसको हल करो 3, इसको माइनस करो 11 और इसमें माइनस करो 7 आ जाएगा, ठीक है। 21 इंटू, अब यहाँ पे 7 × 3 क्या हो जाएगा 21, तो गुणा कर दो और इंटू 11, ठीक है। अब 21 कितने मारोगे, 2 बार। इसके बाद का स्क्वायर देखो, रूट ऑफ 21 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 11, है ना। तो ये 21 और ये स्क्वायर और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 21 आप जो आ जाएगा सामने और ये आ जाएगा रूट ऑफ 11। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के सवाल के लिए इतना ही, आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हीरोन का फॉर्मूला आपको याद करना है और लिख लिख के याद करना है। थैंक यू।